मेरी प्यारी ट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे दोस्तों। और फाइनली आ चुका हूँ एक नई और बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो लेके। एक चीज मैंने आपको हमेशा शेयर करता हूँ वीडियो शुरू करने से पहले कि जो एक फर्स्ट कमेंट होता है उसकी मैं फ्री प्रमोशन करता हूँ अपने कॉमेडी टैब में और अपने जो वीडियो होता है उसके बीच में। तो जल्दी से जल्दी फर्स्ट कमेंट किया करूँ ताकि जो नए क्रिएटर्स हैं, नए चैनल जिन्होंने स्टार्ट किया है, उनको थोड़ी सी हेल्प मिले चैनल को ग्रो करने के लिए। जो प्रीवियसली फर्स्ट कमेंट था, क्योंकि कल मैंने ब्लॉग डाला था तो उसमें मैं प्रमोशन नहीं कर पाया था क्योंकि याद ही नहीं रहा। तो आज इनके चैनल की प्रमोशन करने वाला हूँ। उनको मैंने चैनल सेल किया था और सक्सेसफुली उनको बहुत अच्छा रिस्पांस भी आया कि चैनल अभी इनका बहुत सही चल रहा है। उनके जो चैनल का लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जय उनका नाम है और अभी आपको स्क्रीन के ऊपर भी दिख जाएगा। उनके चैनल को जाके सब्सक्राइब करो और देखो कि इन्होंने चैनल सेल किया है, इनसे बात करिए कि चैनल कैसा चल रहा है, ऑल ओवर क्या चीजें सारी रहती हैं अगर आप चैनल सेल करने में इंटरेस्टेड हैं। चैनल को जाके सब्सक्राइब करना और इनका कमेंट भी शायद नीचे आएगा तो उस कमेंट को भी मैं वहां पे मैसेज करूंगा ताकि आप उनसे डायरेक्टली वहां पे बात कर पाएं। और फर्स्ट कमेंट को भी करूंगा और साथ में इनका जो वीडियो होगा उसको मैं अपने कॉमेडी टैब पे भी पोस्ट करूंगा, ठीक है। आज जो चैनल है दोस्तों वो है जिसके ऊपर है 43K सब्सक्राइबर्स हैं, 42.8K सब्सक्राइबर्स हैं और जो ये सारे सब्सक्राइबर्स हैं वो एक्टिव हैं अभी प्रीवियसली 4 या 5 मंथ में आए हैं। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि चैनल का ये जो प्राइस होता है ये फ्लक्चुएट क्यों करता रहता है, कि मीन ये स्टिल नहीं क्यों नहीं होता कि इतने सी कैटेगरी के इतने के बीच वाले का इतना प्राइस होता है। ये दोस्तों ऑल ओवर जितनी भी सारी चीजें होती है ना ये चैनल की कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। कि जैसे अभी 3 लाख का वो चैनल अभी हमने सेल किया था उसको 20,000 में किया क्योंकि वो चैनल काफी ज्यादा पुराना हो चुका था, वो उसी अकॉर्डिंग लिए। अगर चैनल उतना एक्टिव होता तो वो चैनल ऑलमोस्ट 1-1.5 लाख से ऊपर उसका प्राइस जाना था। लेकिन जो अभी रिसेंटली वाला चैनल है तो ये सारे सब्सक्राइबर्स 4 से 5 मंथ वाले हैं और अभी आपको स्क्रीनशॉट भी स्क्रीन पे दिख जाएगा कि ये कितने अभी इसके 3 मंथ में कितने सब्सक्राइबर्स आए हैं, ऑलमोस्ट 25,000 से ज्यादा और टोटल इसके ऊपर सब्सक्राइबर्स आए हैं। और अभी चैनल जितने भी चैनल सेल किए हैं सक्सेसफुली रहा है, सभी को अच्छे से सारे चैनल प्रोवाइड कर दिए जा चुके हैं और सभी बहुत खुश हैं क्योंकि ऐसे नहीं मिलता। क्योंकि कल मुझे एक फॉरन से मैसेज आया जिसके ऊपर 1.5 लाख सब्सक्राइबर्स थे और टिक भी लगा था जैसे 100K के बाद वेरीफाई हो जाता है, तो उससे डील नहीं कर सकते क्योंकि बाहर से फिर बहुत सारे इश्यूज हो जाते हैं कि पता नहीं क्या वो अपनी डिमांड रखेंगे, किस तरह से करेंगे। लेकिन अगर आप इंडिया में हैं तो जनरली आप मेरे साथ कर सकते हैं अगर आप चैनल सेल करने में इंटरेस्टेड हो, परचेज करने में इंटरेस्टेड हो। सो इस चैनल का प्राइस मैं आपको बता दूंगा, फिर भी मैं आपको एवरेज इसका प्राइस बता दूं 220K आसपास रहने वाला है क्योंकि चैनल एक्टिव है और सारे सब्सक्राइबर्स एक्टिव हैं और इस पर कोई भी स्ट्राइक वगैरह या कोई कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक वगैरह कुछ भी नहीं है। और इसका जो मोनेटाइजेशन पेज होता है उसके साथ भी कोई छेड़खानी नहीं की गई है और जो भी सारी चीजें सच होती है मैं आपके सामने वही लाता हूँ और चैनल को मैं वही लाता हूँ जो एक सही हो और जेन्युइन वे में हो। क्योंकि किसी को दूसरे को चैनल देना होता है तो वो भी मुझे पता है किस तरह से पैसे अर्न करते हैं और किस तरह से एक बहुत सोच समझ के देते हैं। क्योंकि जो प्रीवियसली चैनल सेल किया था बोलता है भाई आपको मैं पैसे सेंड कर दूं, बोला हाँ कर दीजिए, बोलता है प्लीज फ्रॉड मत करना। मैंने कहा यार फ्रॉड लेके कहाँ जाऊंगा, मैं कहाँ जाऊंगा, भगवान को शक्ल दिखानी है। तो ऐसी चीजें नहीं करते, जो भी जितनी सारी चीजें प्रीवियसली हुई हैं सारी एक जेन्युइन और ऑथेंटिक वे में की हुई हैं, तो डरने की कोई भी बात नहीं है। ऑल ओवर और सारी चीजें जितने भी हैं बिल्कुल सही क्लियर है। सो जल्दी से जल्दी इंस्टाग्राम पे मैसेज करना, इंस्टाग्राम का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। सो फाइनली कीप लविंग एंड बिलीव इन योर ड्रीम्स, मामा।